अभी देखिए स्लाइडर तो टेढ़ा हो ही गया था, अब ये जो है ये टूट के यहाँ पे झूल लग रहा है, ऑयल लीक कर रहा है। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गया एक्सेल में। मॉर्निंग एंड वेलकम टू सांदक। इस तरफ है एवरेस्ट, इस तरफ स्लीपिंग बुद्धा, कंचनजंगा, और यहाँ से सनराइज होता है। यहाँ पे जो ठंड है मैं आपको बता नहीं सकता, सोई को नीचे उतर चुका है, वो टोपी भी नहीं लाया था, वो हेलमेट पहन के ऊपर आया था, उसको इतना ठंड लगा, पैर में मोजा भी नहीं था, खाली जूता पहन के आया था, वो नीचे उतर गया, वो तो मैंने पॉकेट वॉकेट में हाथ घुसा के, अभी थोड़ा सा गर्म हुआ। यहाँ पे जो तेज हवा है मैं बता नहीं सकता। यह है सनराइज व्यू पॉइंट, हम लोगों का होटल है वहाँ पे, वो रहा नीचे हम लोग का गाड़ी रखा हुआ है। ये देखिए बर्फ बर्फ, अभी उतरने में भी हालत खराब होगा क्योंकि इतना ढाल है, मालूम नहीं शायद उतरने में भी 4-5 घंटा तो लगेगा। ये रहा मेरा बाइक। ओ, ये अनिर्बान का और ये सोईकोत का। ये कुछ ऐसा हाल है अभी हम लोग के रूम का। सुबह तभी मैंने यहाँ पे सोईकोत सोड़ा है, देखिए खराटे ले रहा है कैसे। सामान पूरा पैक हो गया, ये भी सब रेडी है। यहाँ पे पहले बर्फ साफ करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, वो देखना है गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। अभी भी गाड़ी में थोड़ा बहुत बर्फ है, चलिए देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। जय माँ काली। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गया एक्सेल में। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। फोटो सब खींचना हो गया। ये पीछे देख सकते हो कंचनजंगा, ये सांदकफू, और ये था हम लोग का होटल सनराइज। बस हम लोग इस होटल में नहीं थे, इसी का ही है वहाँ नीचे, वहाँ पे हम लोग थे। चढ़ते वक्त हम लोग चढ़ गए थे, उतरते वक्त सच कह रहा हूँ सीना निकल के बाहर आया है। रास्ता एकदम ऐसा है बहुत रास्ते उतरना है, मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ा कर दिया है। अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि एक एक करके उतरेंगे ताकि कोई रिस्क ना हो, क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता है, और ये 2-3 जो पड़ाव है ये अगर पार कर लिया हम लोगों ने उसके बाद फिर ठीक ठाक हो जाएगा। कल जब गाड़ी हम लोग ऊपर चढ़ा रहे थे तो जितना वो तकलीफ हुआ था उससे कई गुना तकलीफ अभी हो रहा है। गाड़ी नीचे ले जाते वक्त पूरा दोनों हाथ में मेरा दर्द हो गया है, इतना ढलान है, ऊपर से ये बाली, सामने का चक्का जहाँ कहीं पे भी स्केट कर रहा है। इस तरफ है कालो पोखरी, और ये वाला जो रास्ता इसको आप मार्क कर लीजिए, ये वाला रास्ता जो इस तरफ चला जाता है, चला जाता है इंडिया की ओर, और ये वाला रास्ता नेपाल की ओर। वहाँ पे अगर आप बाइक लेके जाते हो 10,000 रुपये आपका सीधा चालान कट जाएगा। इस तरफ देखिए कितने खूबसूरत सा फूल खिला है,
और लगभग हम लोग आ चुके हैं कालो पुखड़ी। अभी जगह रास्ता थोड़ा फ्लैट हुआ है, नहीं तो जो एक डिक्लाइन था वहाँ पे, दोनों हाथ मेरा एकदम दर्द कर रहा है। देखिए ये बस हम लोग पहुंच गए कालो पुखड़ी। तो ये रहा कालो पुखड़ी लेक। तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, वक्त बर्बाद होगा और वैसे ही मैं यहाँ पे गिर गया। ये कालो पुखड़ी लेक जो है, इसमें जब बर्फ गिरता है, ये जब जम जाता है, तब ये जमता भी काला है। और मेरे गाड़ी का भी हालत कुछ ऐसा है, क्रैश गार्ड जो मैंने थोड़ा पतला बनाया था, मैंने खुद से ही मोटा नहीं बनाया कि वेट ज़्यादा होगा, इसलिए वो इधर पाइप में स्केट किया गाड़ी, मैंने देखा नहीं पाइप को और बस ये गिर गया। स्लाइडर टेढ़ा हो गया है, ये अंदर चला गया है। मैंने जो दिखाया आप लोगों के, मेरा गाड़ी गिरा, वहाँ पर पाइप था, पाइप में मैं स्केट करके गिर गया और क्रैश गार्ड टूट के अंदर चला गया। मोबिल चेंबर है, मोबिल के वहाँ पर जो पाइप से मोबिल जाता है वो वाला थोड़ा टूट गया है। अब मुझे मालूम नहीं उसका ऑयल सील कट गया है क्या है, उसको देखना पड़ेगा। चलिए और वहाँ से मोबिल अभी भी लीक कर रहा है, तभी मुझे सबसे पहले सिलीगुड़ी पहुँच के सर्विस सेंटर में दिखा लेना होगा। यहाँ पे अभी बहुत तेज़ ऑयल लीक कर रहा है। अभी देखिए स्लाइडर तो टेढ़ा हो ही गया था, अब ये जो है ये टूट के यहाँ पे झूल लग रहा, बाई चांस चक्के पे चला गया तो हो जाएगा। फिर मेरे पास ये एक्स्ट्रा बंजी है जिसको मुझे इसे यहाँ पे बांधना है, इसको मैंने ये बंजी से बांध दिया। अभी चलो फिर से ये बोल्डर वाला रास्ता, तब से ना जाने कितने ऐसे बोल्डर वाला रास्ता हम लोगों ने क्रॉस किया। पिछले 1.5 किलोमीटर से हम लोग ऐसे ही वाले रास्ते पे चला रहे हैं, तो कल और आज के बाद अभी ऐसा रास्ता हम लोग को मिला है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भगा सकते हैं गाड़ी को, पर अभी भी रास्ते पे चैलेंजेस है। और मैं तो कालो पुखड़ी में ऐसे जगह पे गिरा जहाँ पे कोई चैलेंजेस था ही नहीं, प्लेन रास्ता था, देखा नहीं उधर उन लोगों का पाइप था, बस जाके पाइप के ऊपर सीधा उठा दिया और गाड़ी में थोड़ा स्पीड था तो बस फिसल गया। ये आ गया है बड़ेखोला ब्रिज। कल जो सांदकपू का रास्ता पकड़ा उसके बाद से आज मैंने पहली बार थर्ड गियर दिया है, कल तो फर्स्ट गियर में भी गाड़ी को उठाना मुश्किल था। कल हम लोग गलती करके इस रास्ते से ऊपर चले गए थे, फिर यहाँ से वापस आए थे। गीतांग ब्रिज तो 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ से इलाम। देखिए चा बागान ऊपर खूबसूरत नज़ारा, फाइनली ऑफ रोड खत्म, टारमैक शुरू। ओफ, अब जाके जान में जान आया, फाइनली सांदकफू का ऑफ रोड खत्म हुआ। मन में दुख भी है, एक कंचनजंगा, स्लीपिंग बुद्धा, एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, थ्री सिस्टर्स, पंडिम, कुंभकर्ण, ये सब हम लोग देख रहे थे, वो अभी फिर नहीं देख पाएंगे फोटो के अलावा। खुशी इसलिए क्योंकि ऑफ रोड खत्म हुआ और ये टारमैक चालू हो गया। ये बस आ गए हम लोग हाईवे पे, यहाँ से बस बाया उड़ है नीलाम। सामने के नज़ारे देखिए, सस्ते में ट्रिप कैसे होता है जैसा कि हम लोग करते हैं। देखिए सत्तू, यहाँ पे भी सत्तू बनाया जा रहा है, मैंने पी लिया है, अनिर्बन पिएगा, उसके बाद सोईकत पिएगा, दोपहर का लंच हो रहा है सत्तू। सोईकत पीछे छूट गया था, उसके लिए मैं वेट कर रहा था, और अनिर्बान तो हमेशा भागना भगाने की फितरत में रहता है। ये है पिकल,
अब जाना किस तरह है? ओ बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर में, बॉर्डर में भी है। नहीं इधर तो ज्यादा देरी हुई, हमको सिलीगुड़ी जाना है ना, तो यहाँ से पूरा पहाड़ होकर जाना पड़ेगा। तो इस तरफ का रास्ता चला जाता है पशुपति नगर, और ये वाला रास्ता जाता है भद्रपुर की ओर। या तो आप यहाँ से जाके भद्रपुर से भी निकल सकते हो, या पानी टंकी से भी निकल सकते हो। कह रहे थे कि हम लोग पानी टंकी से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ से सिलीगुड़ी थोड़ा नजदीक होगा। ये है खूबसूरत सा कन्याम, जाते वक्त नहीं दिख पाया, आप लोगों को दिखा नहीं पाया, आते वक्त दिखा रहा हूँ। देखिए चारों तरफ चा बगान, ऊपर नीचे, और यहाँ पे बूंद बूंद बारिश भी चालू हो गया है। इधर इन लोगों का फोटो सेशन चल रहा है, और इधर है कन्याम। लगभग हम लोग प्लेन लैंड पे आ चुका है, ये मतलब पहाड़ का जो एकदम पैर का जो हिस्सा होता है ये वो तरफ, वो वैसा है ये। यहाँ से और थोड़ा सा जाएंगे बस एकदम पूरा पहाड़ ख़त्म होगा, ये ट्रिप का पहाड़ वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म होगा, और हम लोग पहुँच जाएंगे प्लेन लैंड पे। इस ट्रिप का पहाड़ का हिस्सा ख़त्म, पहाड़ का हिस्सा ख़त्म, हम लोग पूरा तरीके से आ चुके हैं प्लेन लैंड पे। कोलकाता 565 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 28 किलोमीटर बस, यहाँ से गुवाहाटी 480 किलोमीटर। तो बस वो सामने ही होगा कस्टम ऑफिस, इंडिया नेपाल बॉर्डर का जो गेट है वो, और वहाँ पे कोई एक आईडी प्रूफ दिखा के हम लोगों को बस निकलना है बाहर। और एक बोट दिख रहा है मुझे, शायद वही बॉर्डर होगा। और ये ब्रिज जो है उस पार इंडिया और इस पार नेपाल को डिवाइड करता है, बॉर्डर साझा करता है। बॉर्डर से निकल के इस तरफ सीधा यहाँ जाता है पानी टंकी, और हम लोगों ने ले लिया ये बाया वाला रास्ता, यहाँ से बागडोगरा सिलीगुड़ी का रास्ता है इस तरफ। ये है मेरा भारत, मेरा इंडिया, वेलकम टू इंडिया, वेलकम। अभी मैंने फोन किया था सुजुकी में जो आरएम है, वेस्ट बंगाल का जो हेड है कमल सर को, उनसे मैंने अभी बात किया, उन्होंने बताया सिलीगुड़ी में जो 3 सर्विस सेंटर है वो आज बंद है, क्योंकि आज यहाँ पे होली है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और उन्होंने भी बोला कि जो ये थोड़ा सीरियस इशू हो सकता है तो आप इसको चेक करा के ही आइए। सिलीगुड़ी और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अभी मुझे सिलीगुड़ी सुजुकी से फ़ोन आया था, क्योंकि मैंने आरएम सर को फ़ोन किया था, तो उन्होंने शायद वहाँ पे फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कल सुबह 9:30 बजे जाने के लिए, देखता हूँ क्या होता है। दार्जिलिंग 83, गैंगटॉक 120, गुवाहाटी 486, सिलीगुड़ी 8, फुलवाड़ी 12। तो कि अखन गैंगटॉक जब सैकत बोल रहा, चलो गैंगटॉक चलो। मेरे भाई और है माटीगाड़ा कारसियांग रोड, जहाँ से मैं पहला बार दार्जिलिंग गया था और लौटा था इस रास्ते से डाय वाला। और अक्सर हम जिस होटल में आके रहते हैं, हम लोग जब डाउनटाउन के ग्रुप से आते हैं तो वो वाला होटल में हम पहले जाके बात करेंगे अगर भाड़ा ठीक ठाक लेता है, कि ये होटल थोड़ा कॉस्टली है, अगर भाड़ा ठीक ठाक लेता है तो इसमें ही रुक जाएंगे। यहाँ से सर्विस सेंटर भी मेरा नज़दीक ही होगा।